डकैती, घरफोड़ी, चोरी आदि घटना में शामिल शातिर आरोपियों को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। शहर के अलग अलग जगहों पर डकैती, घरफोड़ी, चोरी करने वाले शातिर चोरों को तहसील पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर चोरों में बड़ा ताजबाग, समोसा ग्राउंड के पास रहने वाले शेख सोहेल उर्फ भांजा वल शेख मुख्तार और उसके तीन साथी और एक महिला का समावेश है। आरोपी के पास से एक हुंडई चार पहिया वाहन, टीवी, कैमरा, सोने के जेवर और 1,44,320 रुपए का माल जब्त किया। शातिर आरोपी ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्क्रीन पर दिख रही तहसील पुलिस की इस टीम ने पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर के नेतृत्व में शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में तहसील पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर इन्होंने जानकारी दी है। कल हमारे हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत सेंडे और प्रमोद शनिवार पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो तिन्नल चौक में एक हुंडई कार संशयास्पद स्थिति में मिली, जिसमें चार लड़के बैठे थे, सब 18-20 की उम्र के थे। तो और जब वो गाड़ी संशयास्पद लगी तो उसको तिन्नल चौक में रोका गया, तो उसमें मुख्य आरोपी था शेख सोहेल उर्फ भांजा वल्द शेख मुख्तार उम्र 19 साल ताजबाग पियर सक्करदरा और तीन जो लड़के थे वो नाबालिग थे। उसमें से तीनों नाबालिग पे इसके ऊपर पुलिस स्टेशन से चोरी घरफोड़ी दरोड़े के गुंडे दर्ज थे, इसलिए और डाउट क्रिएट हुआ और उनको पुलिस स्टेशन में लाए। तो पुलिस स्टेशन में जो चोरी घरफोड़ी के जो 14 गुंडे थे उनसे डिटेक्ट हो गया और जो 14 गुंडे में जो माल गया था वो भी उनसे रिकवर हो गया। उसके साथ ही इन्हीं चार लोगों ने सोहेल शेख और इन तीन नाबालिग लोगों ने रेलवे में भी तीन जगह पे दरोड़ा डाला था, वो भी रेलवे के तीन गुंडे डिटेक्ट हो गए और अन्य पुलिस स्टेशन का एक चोरी का गुंडा डिटेक्ट हो गया। इसी प्रकार जो हमारे पथक ने जो गैंग पकड़ा उसमें से 18 गुंडे डिटेक्ट होके कुल 11,33,320 रुपये का माल जब्त किया है। तीन आरोपी नाबालिग है, उनको हमने कायदे के मुताबिक रिहा कर दिया है और एक आरोपी शेख सोहेल उर्फ भांजा वल्द शेख मुख्तार इनको अभी विद्यमान कोर्ट में पुटअप कर रहे हैं, उनका PCR लेके और इन्होंने कहीं कुछ चोरी या घरफोड़ी किया है क्या, उसका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। आज दिन शहर में डकैती, घरफोड़ी और बड़े बड़े ऐसे वारदातें हो रही है जिसके चलते शहर के नागरिक परेशान हैं। ऐसे में कई शिकायतें शहर के अलग अलग पुलिस थानों में भी दर्ज है। ऐसी एक शिकायत के आधार पर कुछ तहसील पुलिस वालों ने एक ऐसे गिरोह को धर दबोचा है जिन्होंने अब तक के कई वारदात को अंजाम दिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के उस अलग अलग परिसर की जहाँ पे चार शातिर चोरों ने, जिसके अंदर में तीन नाबालिग और एक बालिग, ऐसे चार लोगों ने मिलकर चाहे जीविका थाना हो या रेलवे का परिसर हो या फिर परिसर के ऐसे कई मकानों की तोड़फोड़ की है, चोरियां की है, डकैती भी डाली है। ऐसे गिरोह के आरोपियों को तहसील पुलिस के जाबाज पुलिस वालों ने धर दबोचा है और अगली कार्यवाही जारी है। कोर्ट में उन्हें लेकर जाया गया है, आगे की तफ्तीश अभी भी शुरू है। तहसील पुलिस थाने से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, NBC News, नागपुर।